नमो नमः श्रीमत्रानि प्रयत्ता चत्रा हा सर्वे कुसलन्द्रस्युभवंता ग्रहेषु अपि अद्द्वयम् दशमी कक्षाया हा व्याकरण भागस्यः प्रत्यान्तरकता चतुर्था प्रत्ययः तद्धित प्रत्येषु त्वा प्रत्ययमिति पठामः त्वा प्रत्ययः नित्यं पुण्छलिंग प्रत्ययः यथा तल प्रत्ययः नित्यः स्थलिंग प्रत्ययः आसीत ठट प्रत्यय ही उपदार्थ है आशित त्वा मतुप्रत्यय भी उपदार्थ है आशित तथाहि त्वा प्रत्यय हास्तिनित्तिर बुञ्चलिंगा भाववाचक संज्ञा प्रत्यय है वर्त्तमान तल प्रत्यय भाववाचक संज्ञा सामाजिकता मनुष्यता मृदुता इत्यादि सर्वमाशित तथेव त्व प्रत्यय ऐसे अप्रियोग हाव होते तो कथम ऐसे प्रियोग हाव हो

महत धनत्व भविष्य महत्व गुरु गुरो हो भाव कि भविष्य गुरुत्व छात्र भाव हा हा तो इन प्रकारे यह सह प्रत्यय चलते एक प्रयोग योग भविष्य तो यदि बहुधा तो अस्तवि क्लेश अनुभूयते चेत कॉमेन्ट्स बक्स बॉक्स तो यस्य शक्विंती सो यही भाव यदस्ती अस्था प्रिय प्रियम

किं औषधि वानराणां चंचलत्वम अस्ति स्मक एकम द्वितीयम इतुते कस्यचित अपि किसी भी वाक्य में यदि भाववाचक संज्ञा कोई शब्द है तो उसका नित्य नपुंसक लिंग करके हम वाक्य बना सकते हैं तो वाक्य किसी प्रकार से आएंगे वहां पर आपको वानराणाम चंचलधन अस्ति तो वानराणाम चंचलत्व अथवा ऐसे पूछ सकता है कि वानराणाम चंचलत्व तो आपको क्या करना है त्व इस प्रकार का प्रयोग करना है ठीक है जैसे सर्वे परिश्रमस्य से महत्वम जानती तो महत्व शब्द आया है तो क्या लिखेंगे महत्व तो महत्व धन ठीक हो गया तो इस प्रकार से इसका प्रयोग हम कर सकते हैं ठीक है जैसे हमने कहा गुरु गुरुत्व भवति भवती तो गुरुत्व तो क्या हो जाएगा गुरु धनत्व तो बहुत सरल सा प्रत्यय है बस इतना ध्यान रखना कि जिसके प्रत्यय वाले प्रश्न में जिसके भी लास्ट में आपको क्या दिखाई दे शब्द दिखाई दे तो आप समझिएगा कि यहां पर कौन सा प्रत्यय है प्रत्यय है त्व को ही त्वम होता है बहुत ज्यादा शंका और संकोच करने की आवश्यकता नहीं है ठीक है तो इसमें स्पष्ट रूप से है कि जिसके भी लास्ट में त्वम होगा वह त्व प्रत्यय युक्त पद होगा जिस प्रकार से मान और मति होगा वान और वती होगा तो मतु प्रत्यय है ठीक है एक इक है लास्ट में इकह या इकी है तो समझो वहां पर ठक प्रत्य है इसी प्रकार से यदि लास्ट में ता है सामाजिकता मनुष्यता धैर्यता ठीक है तो इस प्रकार के शब्द हैं तो समझिएगा वहां पर कौन सा प्रत्यय है तल प्रत्यय है तो उसी प्रकार से त्वम तो यदि लास्ट में है तो आप समझ लिये कि वहां पर त्व प्रत्यय का प्रयोग हुआ है कौन से शब्द को बनाने के लिए भाववाचक संज्ञक भाववाचक संज्ञक बनाने शब्द बनाने के लिए हमने यहाँ पर त्व प्रत्यय का प्रयोग किया है तो इस प्रकार से उसके एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं और ये मैंने सामान्य रूप से उसके बताई इसके बाद भी आपको लगता है कि वैसे तो इसमें कुछ बहुत ज्यादा जानने के लिए है नहीं बहुत सरल सा प्रत्यय है फिर भी आपको लगता हो तो आप फिर पूछ सकते हैं बाद में ठीक है एवं अस्मा भी भाववाचक संकेत प्रत्यय पठित अवश्य रूपाणी यदि कदाचित वस्तुतः तो सामान्यतः पृछती तथा तो यदि कदाचित पृछती चेत अकारांत नपुंसक लिंग वर तेति रूपानी चलन्ति समझ दो अकारान्त नपुंसक लिंग का किम होती यथा मित्र शब्दः तो महत्तम महत्वे महत्वानी महत्तम महत्तये महत्वानी ठीक है महत्वेन महत्वाय महत्वात् ठीक है इस प्रकार से इसके रूप चलेंगे ठीक है चाहे वो ईश्वरत्व है तो ईश्वरत्वम 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 ईश्वरते ईश्वरत् ठीक है प्रकार से ग्रह ग्रहानी तो इस प्रकार इसके रूप चलेंगे वैसे तो सामान्य रूप से इतना ही पूछता लेकिन कहीं पर जैसे हमने इसमें द्वितिया दिखा थी सर्वे परिश्रम से महत्वपूर्ण महत्व को जानते हैं तो कर्ता ने कर्म को तो हालांकि दोनों ही प्रथमा द्वितीय समान रहती है तो ज्यादा दिक्कत नहीं है वैसे भी सामान्य रूप से इतना ही यह पूछता है लेकिन फिर भी याद रहना चाहिए कि इसके रूप किस प्रकार से चलेंगे जो अपना आकारांत नपुंसक लिंग शब्द होंगे चाहे वो ज्ञान है ठीक है चाहे वो गृह है तो इस प्रकार के और तृतीया से सब पुल्लिंग के समान चलते हैं तो इसलिए बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है प्रथमा द्वितीय में प्रथमा और द्वितीय दोनों समान रहते हैं ठीक है थीके? तो इस प्रकार के इनके रूप को हम चलाएंगे ठीक है आज एक और प्रत्यय पढ़ेंगे हम ऋणी प्रत्यय तो एक और प्रत्यय थोड़ा सा क्योंकि आज छोटा हो गया थोड़ा सा ठीक है तो वीडियो छोटा हो गया है तो इसलिए इसको थोड़ा सा और बढ़ाएंगे णिन तो प्रत्यय हालांकि हमारे उसमें है नहीं लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि प्रश्न पूछ लिए जाते हैं उससे भी तो इसलिए एक बार ऋणिनी प्रत्यय के ऊपर चर्चा करेंगे तो किम भवतनी प्रत्यय तो युक्तार्थ है जैसे हमने कहा मतु प्रत्यय युक्तार्थ होता है उसी प्रकार से प्रत्यय भी किसमें होता है युक्तार्थ इन इसके लास्ट में बचता है ठीक है विशेषण युक्त शब्द है बहुत सारे प्रयोग इसके आपने सुने होंगे आप कैसे सुने होंगे देखो एक बार देखते हैं जैसे हमने कहा शब्द हमारे पास है प्राण ठीक है तो प्राण शब्द तो से थीके? मूल शब्द इसका क्या बनता है जैसे मतु प्रत्यय का मूल शब्द जैसे हमने कहा धन धन मतुप तो धनवत शब्द मूल बना उसके बाद उसका धनवान पुल्लिंग बना ऐसे ही यहाँ क्या है प्राणिन शब्द इसका मूल बनता है ठीक है नकारांत शब्द हो गया और पुल्लिंग शब्द है ठीक है तो इसका मूल शब्द प्राणिन हो गया इसका इस पुलिंग बनता है प्राणी ठीक है और स्त्रीलिंग बन जाएगा प्राणिनी ऐसे ही देखें हम अगर तो सुख धन तो क्या बन जाएगा पुल्लिंग में सुखी वह बहुत सुखी है सह सह प्राणी सुखी अस्ति तो सह मनुष्य सुखी अस्ति ठीक है तो इस प्रकार से सुखी और सुखिनी स्टेलिंग सुखिनी सुखिनी कैसे बनेगा सुखन सुख धन निनी धन नीप प्रत्यय जैसे हमने वतु प्रत्यय में शक्तिमती बनाया था उसी प्रकार से उसका बना देंगे ठीक है तो अभी केवल एक बार जानेंगे केवल पुल्लिंग शब्द किस प्रकार से इसके बनते हैं ठीक है जैसे दान शब्द है दान शब्द से हमने नयनी प्रत्यय का प्रयोग किया दानी ने मूल शब्द बना और दानी उसका क्या बन गया पुल्लिंग शब्द बन गया ठीक है दानी बन गया मूल शब्द पुल्लिंग में ठीक इसी प्रकार से धर्म है धर्म शब्द धनि प्रत्यय लग गया तो क्या बना गया धर्मी ठीक है कर्म धन निर्णी कर्मी ठीक है फलधंड फली ध्यान धंडनी ध्यानी वादिनी वादी तो इस प्रकार से अनेक जितने भी शब्द हैं ठीक है जैसे हमने कहा काम शब्द है इच्छा ठीक है लेनी प्रत्यय लगा दिया तो मूल शब्द क्या बना कामी ठीक है तो इस प्रकार से इसके शब्द बनेंगे तो सुखी दुखी धनी है ना दंडी करणी, रूपणी तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के इसके शब्द रूप बनते हैं ठीक है तो ज्ञानी हो गया मानी हो गया धनी हो गया गुणी हो गया बली हो गया ठीक है रूपी यानी रूपवान जो है ठीक है रूप से युक्त जो होगा वो रूपी है धर्म से युक्त जो होगा वो धर्मी है जो बल से युक्त है वो बलि है ठीक है तो इस प्रकार से काम से युक्त इच्छाओं से युक्त जो है वो क्या है कामी है तो इस प्रकार से इनके पुल्लिंग रूप चलते हैं तो कामी पुरुष है धर्मी पुरुष है दानी पुरुष सुखी मनुष्य है ना प्राणी तो इस प्रकार से इनके शब्द बनेंगे अब इनके स्त्रीलिंग में क्या बनते हैं सुखिनी तो सुखिनी का प्रयोग कैसे होगा जैसे हमने वाक्य में अगर हम देखें तो हमने कहा कि लोभी हाँ लोभी मनुष्य सुखम न लभते वाक्य था अब लोभ के नीचे अंडरलाइन है तो फिर क्या बनाएंगे हम लोभ धन ऋणी ठीक है अगर माना इसके स्थान पर होता हमारे पास स्त्रीलिंग ठीक है तो हमने कहा कि महिला साहसनी अस्थि इन्हीं जोड़ जुड़ जाएगा इसमें देखिए जैसे प्राणिनी बन रहा है सुखिनी बन रहा है इसी प्रकार से साहसनी अस्थि तो कौन है साहसनी महिला तो महिला का विशेषण हो गया साहसनी ठीक है लेकिन बनाएंगे कैसे तो साहस शब्द तो है ही इसका मूल शब्द ठीक है उसके साथ साथ हम ऋणनी प्रत्यय लगाएंगे साहसिन बन जाएगा इसके साथ साथ हम क्या लगेंगे जोड़ेंगे तब इसमें ठीक है साहसिन शब्द बना था साहसिन ठीक है जैसे यहां बना साहस मैंने बताया प्राणीन शब्द बना था मूल शब्द उसका प्राणी क्या बना पुल्लिंग बना तो इसका प्राणी लोभिन का लोभी पुल्लिंग और लोभिनी स्त्रीलिंग इस तो इसी प्रकार साहसिन शब्द मूल शब्द है साहसी मनुष्य और साहसनी महिला तो इस प्रकार का इसका रूप चलाएंगे ठीक है तो पुल्लिंग में प्राणी और स्त्रीलिंग में प्राणिनी ठीक है पुल्लिंग में सुखी स्त्रीलिंग में सुखिनी पुल्लिंग में दानी स्त्रीलिंग में दानिनी तो इस प्रकार से इसके रूप चलाएंगे हम तरह तो एवं प्रकार रूपाणी अभी चल स पुलिंग अस्तित धनी धनिम धनिना धनिने ठीक है धनिने तृतीया धनिना चतुर्थी धनिने पंचमी धन्यन षष्ठी अति धनी धनौत रूपा चल्य अस्म उदाह दृष्टि तो एक तरह तथा कथ कथ्य धनी धनौ धन धन धनौ धन ठीक है धन 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 धनिभ्या धन्य ठीक है धनिने धनीभ्या धनीभ्य धन धनीभ्या धनीभ्य धन धनो धनी न धनी नाम तो धनी लोगों का एवं प्रकार धनी नौ धनी धनी नौ हो धनीसु ठीक है तो इस प्रकार से इसके रूप चलेंगे और बाकी हम विस्तार से बाद में जानेंगे अभी केवल इतना जान लो कि ऋणी प्रत्यय जहां पर युक्त तो होगा प्रयुक्त तो होगा वहां पर हम युक्त अर्थ लेंगे यानी कि उस चीज से युक्त वो भाव उस भाव से युक्त ठीक है थीके? तो प्राण प्राणु का भाव प्राणी ठीक है जिसमें प्राण है यानी कि सुख का भाव सुख से युक्त है जो वो सुखी है दान से युक्त है जो यानी कि दान देने के गुण से युक्त है जो युग दानी है तो धर्म से युक्त धर्मी है तो इस प्रकार से इसके रूप हम चलाएंगे ठीक है तो जैसे कुछ एग्जाम्पल एक दो और देख लेते हैं जैसे हमने कहा सर्वे भवंतु सुखी न सर्वे भवंतु सुखी है ना सर्वे संत निरा यहा। तो यहां पर क्या होगा धनिना के अनुसार बहुवचन है तो सर्वे भवंतु बहुवचन है सुखी न भी बहुवचन है तो इसमें कुछ नहीं करना आपको क्या करना है यहाँ पर सुख धन है लेकिन अगर ये पूछा होता तो ये बताना होता तो हमें फिर क्रिया देखनी है कि कौन सी क्रिया है एक वचन का एक वचन की क्रिया है कि द्विवचन की क्रिया है या बहुवचन की क्रिया तो जैसी क्रिया होगी उसके अकॉर्डिंग ही हम उसमें फिर उस कर्ता को देखेंगे या फिर उस विशेषण को देखेंगे ठीक है सर्वे बहुवचन है ये भी बहुवचन है तो ये भी है सभी कुछ बहुवचन हो जाएंगे ठीक है तो गुणी गुणीजन आदरम लभते जो गुणी व्यक्ति होता है वो आदर प्राप्त करता है तो क्या होगा यहां पर गुणधन गुणधनि ठीक है गुणधन धन, गुण धन हो जाएगा गुणी ठीक है पुल्लिंग गुणिन शब्द मूल शब्द बनेगा उसी का फिर क्या होगा पुल्लिंग शब्द बन जाएगा गुणी तो इस प्रकार से प्रत्यय युक्तार्थ है विशेष युक्त यानी कि विशेषण युक्त प्रत्य है ठीक है विशेषण शब्द बनाता है और इसका प्रयोग इस प्रकार से हमने किया ठीक है तो आगे अगर कोई समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट्स कर सकते हैं लेकिन बहुत कम लोग वीडियो देख रहे हैं कि अपने खुद भी देखें और दूसरों को भी प्रेरित करें कि घर बैठ करके कम से कम आधे घंटे भी अगर पढ़ाई हो जाएगी तो बहुत काफी है ठीक है तो इसी प्रकार धीरे धीरे करके ही क्योंकि समय का सदुपयोग करना ही हमारा काम है हम लोग जब यहां बैठ के समय का सदुपयोग कर रहे हैं तो कृपया आप लोगों से रिक्वेस्ट है तो आप लोग भी घर पर खुद भी देखें और दूसरे मित्रों को भी बोलें कि वो केवल संस्कृत सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है बाकी सभी सब्जेक्ट को भी देखें ठीक है उसमें से कुछ ना कुछ पूछें तो समय देंगे तो समय देख देने का उसका लाभ आपको होगा ठीक है केवल के समय यापन करने के लिए छुट्टियां नहीं हुई हैं तो समय का सदुपयोग करें काफी दिन हो गए हैं ठीक है थी? अस्तु पुनः मिलावहा एक नूतन विषय वयम स्त्री प्रत्यय पठिषा प्रत्यय दम टाप प्रत्यय ई प्रत्यय से अस्त नमो नम शुभ